दोस्तों प्लम्बिंग का काम तो कभी ज्यादा कभी कम चलते रहता है, लेकिन प्लम्बिंग में जब भी कुछ नया आता है हम आपको वीडियो बना के दिखाने की कोशिश करते हैं। आज ऐसे ही कुछ नया लाए हैं, यहाँ पर हम बाथरूम फिटिंग कर चुके हैं जिसका हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। और ये दिखा क्यों रहे हैं ताकि आप भी इस तरीके से बाथरूम फिटिंग करो और प्रेशर मिले, लेकिन ये हमें बताना नहीं है। हमें बताना है यहाँ पर वॉलिंग कॉमर से रिलेटेड। आजकल प्लम्बिंग भी इतना एडवांस हो चुका है ना दोस्तों, आपको फिटिंग करने से पहले मतलब कंसील फिटिंग करने से पहले आपको फिनिशिंग फिटिंग जो अपर पार्ट आता है वो सारा चीज़ मंगा के रखना पड़ेगा। अब यहाँ भी मैं भी धोखा खा चुका था, मुझे भी पता नहीं था। अब किसको पता रहेगा, जो भी नया अगर सामान आता है और नज़र में नहीं आता है तो थोड़ी ना पता रहेगा। जब कॉमोड आया फिर पता चला, और तो किस्मत अच्छा है जो हमें कॉमोड पहले मिल गया, नहीं तो मैं भी यहाँ फंसता। अगर आप भी इस तरीके से करोगे तो आप भी फंस जाओगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, हम जो आउटलेट है हमारा वॉलिंग टॉयलेट उसके साइट में ब्रास एल्बो का पॉइंट दे रहे हैं। नॉर्मली सब देते हैं लेकिन हमारा यहाँ एक नहीं दो साइट पॉइंट दे रहे हैं। और ये वीडियो अगर आप पूरा नहीं देखते हो तो आप लोगों के मन में बहुत सारा सवाल आएगा, और ये वीडियो पूरा देखते हो तो कुछ नया जानकारी लेकर आप जाएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, लेफ्ट साइड में भी एक पॉइंट है हमारा और राइट साइड में भी एक पॉइंट है, तो हम यहाँ पर दो पॉइंट दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि वॉलिंग टॉयलेट के अंदर डायबेटर आया है, इसके वजह से यहाँ पर दो पॉइंट दिए है गर्म ठंडा। अब चलिए हम आपको वॉलिंग टॉयलेट दिखाते हैं। देखिए ये है वॉलिंग टॉयलेट जिसका एक जेट स्प्रे पिचकारी पॉइंट है। ओके, यही पिचकारी पॉइंट हमारा, इसमें गर्म ठंडा पानी आएगा। अगर यहाँ पर आप देखेंगे ना अंदर कनेक्शन पाइप में, यहाँ पर तीन पॉइंट है। एक जो है हमारा मतलब जेट स्प्रे में जा रहा है पिचकारी बन के, ओके ये वाला, और दो कनेक्शन पाइप गर्म ठंडा का है जिसका आप यहाँ पर बाहर देखिए, यहाँ हमारा डायबेटर लगा हुआ है। जो गर्म ठंडा पानी आ रहा है इसका मतलब किस में आता है गर्म ठंडा? डायबेटर या फिर वाल्मिक चार, लेकिन ये डायबेटर हेड सिस्टम है तो ये डायबेटर जैसा है, इसलिए बोल रहा हूँ डायबेटर लगा हुआ है। अब वो दो कनेक्शन पाइप भी यहाँ पर लगा है। देखिए बहुत सारा चीज़ है, आप लोगों का सवाल और कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर आप देखेंगे दिमाग लगाएंगे तो। यहाँ मैं बहुत सारा चीज़ सोचा और ये पहली बार मैं काम कर रहा हूँ। आप लोग पहली बार कर चुके हो या नहीं किए हो ये कॉमेंट करके बताइएगा। ये दो चो पाइप जो है अपना, ये गर्म ठंडा में हम कनेक्शन करेंगे, लेकिन इसका मेजरमेंट कैसे लेंगे, कहाँ देंगे तो बेस्ट होगा? देखिए दो ऑप्शन है देने का अपना। एक हम आपको मेजरमेंट दिखा दे रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है ना बहुत कम ऑप्शन बचता है। एक कंसील वाला है, यहाँ पर अपना चार इंच का पाइप आपको स्ट्रेट में इस तरीके से आउटलेट में लगा देना है। आप इतना कम ऑप्शन बचता है, एकदम कट टू कट आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये जो साइड वाला स्पेस है देख रहे हो, बस इसमें ही आपका कनेक्शन पाइप जाएगा। और ब्रास एल्बो अगर नड़ गया तो फिर टॉयलेट भी नहीं लगेगा, ये चीज़ ध्यान देना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, सिर्फ हमारा चार इंच पाइप से लेकर यहाँ तक दो इंच का स्पेस बच रहा है जो एकदम कट टू कट आपको रखना है। दो इंच मतलब इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, बहुत कम है, और उसी जगह में आपको रखना पड़ेगा ब्रास एल्बो का पॉइंट जो मैं रखा हूँ। यहाँ का टोटल स्पेस जो है सिर्फ 8 इंच है, तो इस तरीके से आपका भी अगर टॉयलेट आता है आपको मेजरमेंट ले लेना है कितना इंच है आपका, ये चीज़ आपको जानकारी कर लेना है और उस तरीके से आपको पॉइंट करना है। मतलब दो ब्रास एल्बो जो है वो आपका 8 इंच का अंदर होना चाहिए इस टॉयलेट के हिसाब से। या फिर दूसरा तरीका हम कर सकते थे लेकिन किए नहीं है, वो थोड़ा सा शायद गंदा दिख सकता है, मुझे नहीं लगता है गंदा दिखेगा, फिर भी हमारे पास ऑप्शन है कंसील में तो हम कंसील कर लिए हैं। अब दूसरा ऑप्शन जो है ना, यहाँ पर आपको 4 इंच पाइप जैसे ही फिर रखा उस तरीके से रखना है, और टॉयलेट का नीचे साइड पाइप से आपको मेजरमेंट करना है जिस तरीके से हम कर रहे हैं, 3 इंच आ रहा है। आप देख लीजिए हमारा मेजरमेंट का तरीका किस तरीके का है, ठीक है, इस तरीके से हम किए हैं। अब चलिए हम बाथरूम में चलते हैं और यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं दो चीज। एक हमारा ये जो दो ब्रास एल्बो है, ये दोनों ब्रास एल्बो हमारा 8 इंच का अंदर लिए है। ये दो ब्रास एल्बो अगर 8 इंच का बाहर हो गया तो हमारा टॉयलेट भी नहीं लगेगा, हेक्स निपल नड़ेगा टॉयलेट में। एल्बो का सेंटर से अपना ये ब्रास एल्बो 4 इंच अंदर होना चाहिए और ये ब्रास एल्बो 4 इंच अंदर। अगर यहाँ पर आपका जगह नहीं बनता है, दिक्कत होता है, तो आप दूसरा रास्ता कर सकते हो। ये एल्बो का नीचे आप ब्रास एल्बो दे सकते हो 4.5 इंच ब्रास एल्बो का सेंटर, जैसे कि ये जो हमारा पाइप आया है ना ऐसे हम स्ट्रेट लेके आके यहाँ पर भी हम ब्रास एल्बो छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा कनेक्शन पाइप जो है वो नीचे लटका हुआ रहेगा। अब इसका मेजरमेंट कैसे लेना है, देखिए अभी तो दिखाया, फिर से दिखा रहे हैं ताकि किसी को समझने में प्रॉब्लम ना हो। टॉयलेट अपना उल्टा पड़ा हुआ है, जिस पोजीशन में पड़ा है उसी पोजीशन में पाइप का टॉप से और नीचे बेसिन का
सॉरी टॉयलेट का टॉप निकालना है, जैसे कि मेरा 3 इंच हो रहा है तो हमें लगभग 4.5 इंच सेंटर रखेंगे तो हमारा यहाँ नीचे ब्रास एल्बो का पॉइंट हो जाएगा। शायद बहुत कमोड में होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें इसलिए हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर जो टॉयलेट है इसका हमारा नीचे का साइड जो है वो खुला हुआ है, मतलब पाइप जो है बहुत टॉयलेट है नीचे का साइड खुला हुआ नहीं रहता है, बिल्कुल पैक रहता है। तो यहाँ हमारा पाइप इधर से भी कनेक्शन हो जाएगा और यहाँ ऊपर से भी हम इस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये इस टॉयलेट में 2 पोजीशन है, लेकिन हम जो है इनसाइड वाला चूज़ किए हैं। आप चाहो तो आप बाहर वाला भी चूज कर सकते हो, नीचे पॉइंट रख सकते हो, उसमें अपना मेंटेनेंस काम करने में और भी आसानी होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बस वो नीचे से झुक कर देखेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा पाइप दिखेगा, इस कारण की वजह से नहीं रखा, नहीं तो आप रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप स्ट्रेट में रखेंगे, जैसे कि देख लीजिए 3 इंच हमारा स्पेस हो रहा था, तो आपको लगभग 1 इंच छोड़ देना पड़ेगा वहाँ, क्योंकि अगर आप 1 इंच नहीं छोड़ोगे तो अपना जो कनेक्शन पाइप है ना वो जाके टॉयलेट में लगेगा, आपको खोलने वोलने में दिक्कत हो सकता है। 1 इंच छोड़ दीजिए, उसके बाद आप ब्रास एल्बो का पॉइंट इस तरीके से रख सकते हो जो टॉयलेट में आएगा, आपको टॉयलेट पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद ये सिस्टम आप कर सकते हो। ब्रास एल्बो रखना कहाँ है, बस सेंटर से अपना 3 इंच एक साइड इधर रख दीजिए और 3 इंच उस साइड, मतलब 6 इंच में आप 2 ब्रास एल्बो रख सकते हो। लेकिन आप में से काफ़ी लोग एक सवाल जरूर कर सकते हैं, अगर टॉयलेट में डायवर्टर है तो कंसील को क्यों दे रहे हो, अपना डायवर्टर तो है वहाँ से ऑपरेट होगा तो कंसील को क्यों दे रहे हो। देखिए कंसील को हम इसलिए दे रहे हैं, वो देना ही पड़ेगा, क्यों, अगर गर्म ठंडा का पॉइंट है, आप डायवर्टर भी ले रहे हैं तो गर्म ठंडा जो यूज करेंगे वहाँ डायवर्टर का जहाँ पोजीशन है ना वो जो यूज करेंगे जनाब, ठंडी के मौसम में अगर ठंडा पानी उनको गर्म पानी चाहिए और ठंडा पानी खोल चुके हैं तो गड़बड़ हो जाएगा जनाब। तो ये जो डायवर्टर है ना इसमें समझ नहीं पाएंगे, अब जब गर्म की मौसम है आपको सिर्फ ठंडा पानी चाहिए तो गर्म का कंसील कॉक ऑफ करके रख सकते हैं, और गर्म की मौसम में ठंडा पानी का कंसील कॉक ऑफ करके रख सकते हैं, इसलिए कंसील कॉक दे रहा हूं। और भी एक रीजन है, मतलब यहाँ कंसील कॉक अगर नहीं दोगे ना तो पानी डायरेक्ट रहेगा, कभी भी अगर आपको कनेक्शन पाइप मतलब टॉयलेट लगाना है तो पूरा बंगले का पानी बंद करना पड़ेगा, तो वो भी एक सिस्टम है, तो आप कंसील कॉक जरूर दीजिएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इसका जो हाइट है हाइट आपने हिसाब सर बना के दीजिएगा, बाकी अपना जो यहाँ का हाइट है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलने की कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ।